Masha's Spooky Stories. आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बड़ी ही डरावनी कहानी लियूसिया नाम की लड़की के बारे में, जो बेकार की बातों और सुपरस्टिशंस पर यकीन करती थी। गर्मियों की रात को उसने एक बड़ा ही भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल एक मील चलकर शहर आया था। वह भूखा था, इतना भूखा कि जो मिला उसे खा रहा था। फिर उसने लड़की को देखा और अपने मुंह में उठा लिया। उसे लगा कि वो मजेदार खाना है। लियूसिया डर के मारे जाग गई। उसने अपना कंबल दांतों से दबाया हुआ था और फिर डरते हुए उसने सामने वाले आईने में देखा कि वो डर के मारे हरी पड़ गई थी। ओह, वो सपना कितना भयानक था, बहुत ही डरावना। ये तो एक बुरा शगुन है, लियूसिया ने सोचा। वो घर के बाहर जाने से डर रही थी। अगर सच में कोई क्रोकोडाइल झाड़ियों में छिपा हुआ तो वो उसका खाना नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए वो सारा दिन घर पर ही बैठी रही, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे सपने आगे होने वाली बातों का संकेत होते हैं। और फिर अगली सुबह लियूसिया बेड के गलत तरफ से नीचे उतरी, और जैसे ही वो खड़ी हुई उसे पता था आज कुछ अच्छा नहीं होगा। बाहर का मौसम तो बड़ा ही अच्छा और सुहाना था। पंछी चहक रहे थे और बाहर बच्चे मजे से खेल रहे थे, पर फिर भी उसे लगा कुछ तो गड़बड़ होगी। लियूसिया ने खुद को आईने में देखा। अब मैं समझी, यकीन नहीं होता मैंने अपनी शर्ट उल्टी पहनी है। ये तो बड़ा ही बुरा शगुन है। ओह, इसकी वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं घर के बाहर निकलूंगी ही नहीं। हो सकता है प्लेग्राउंड में कोई चोर मिल जाए और उसकी मदद कोई लुटेरा कर रहा हो। वो तो मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर देंगे और फिर मुझे पीट पीट कर मेरा हाल बिगाड़ देंगे। ओह, बेहतर होगा आज भी मैं घर पर ही रहूं। मुझे तो बाहर टहलने जाने से और खेलने से डर लग रहा है। अगले दिन न्यूज में मौसम की जानकारी देने वाली ने कहा मौसम अच्छा रहेगा, इसीलिए लियूसिया जल्दी जल्दी टहलने जाने के लिए तैयार हुई। वो अच्छा दिखने के लिए अपने बाल सवारने लगी और वो आईने में खुद को निहार ही रही थी, तभी अचानक टीवी पर भविष्य बताने वाला एक जादूगर आया और उसने कहा, जिन लड़कियों का जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ है, आज उनका दिन बहुत ही बुरा जाएगा। घर से बाहर ना निकलो और दूर रहो क्वीन ऑफ डायमंड्स और किंग ऑफ हार्ट से। लियूसिया डर से कांप उठी और आईने को फर्श पर गिरा बैठी। उसके हॉरोस्कोप के मुताबिक उसका जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ था। जो आईना फर्श पर गिरा था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लियूसिया को ये एक बुरा संकेत लगा। उसे यकीन था कि उसके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। अगर वो बाहर निकली तो हो सकता है कि वो अपनी साइकिल से गिर जाए, या फिर बरामदे में एक वोल्केनो निकल आए, या फिर पार्क में तेज तूफान आकर उसको उड़ा ले जाए। आज मेरा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, मेरा घर पर रहना ही बेहतर होगा। और हर एक दिन हर तरह के संकेतों और सुपरस्टिशंस की वजह से लियूसिया डर के मारे घर पर रहती। दिन निकलते जा रहे थे और गर्मियां खत्म होने ही वाली थी, और सुपरस्टिशियस लियूसिया ने अपना पूरा वेकेशन अपने बंद कमरे में गुजार दिया था। दिन निकल गए थे। स्कूल के पहले दिन पर लियूसिया ने देखा कि उसके पास खड़े उसके दोस्त बड़े ही खुश और तरोताजा लग रहे थे। उसने अपनी सारी छुट्टियां बुरे सुपरस्टिशियस और संकेतों से डरने में बिता दी थी।
जबकि दूसरे बच्चे पार्क में मजे से खेल रहे थे। सिर्फ ल्यूसिया ही अपनी सारी छुट्टियां बिगाड़ने पर तुली हुई थी। उन सुपरस्टिशियस संकेतों का कोई भी मतलब नहीं था। उसकी छुट्टियां बर्बाद हो गई थी, उसे इस बात का अफसोस था। उम्मीद है आप बेचारी ल्यूसिया का हाल समझ गए होंगे। एंजॉय करना हो वेकेशन तो दिमाग से निकालो सुपरस्टिशन। दोस्तों, आप सभी को कुछ और मजेदार चीजें देखनी है तो बस अभी यहाँ क्लिक करें और फौरन हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करना मत भूलना, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अच्छा दोस्तों।